अल्लाह सुबहानहु व तआला का कलाम इस माह रमजान में नाज़िल होना शुरू हुआ है। ये महीना कि जिसको रमजान कहते हैं, इसमें अल्लाह का कुरान आया, कुरान के जिसमें जिक्र रमजान आया। अल्लाह सुबहानहु व तआला के कलाम के बाद मैं इस मस्जिद के हाफिज रिजवान से मुल्तमिस हूँ कि वो आकर के हमद बारी ताला पेश करें, अल्लाह सुबहानहु व तआला की तारीफ हाफिज रिजवान के जुबान से इंशाल्लाह हम सुनेंगे। अल्लाह सुबहानहु व तआला हाफिज रिजवान की उम्र में बरकत नाज़िल फरमाए। यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं, इनके साथ इन्होंने खुसूसन जोड़ बनाया हुआ है, बाकायदा इशा की नमाज तक इनके साथ रहते हैं और कभी कभार इनको पिकनिक पे भी लाते हैं, ले जाते हैं। इसकी वजह से बच्चों का दिल इनके साथ बिल्कुल जुड़ सा गया है, क्योंकि खुद भी यंग हैं, बच्चे भी यंग हैं, उनके रंग में हो करके ये इनकी तरबियत कर रहे हैं। अल्लाह इनकी और ज़्यादा उम्र में बरकत दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि हमारे जो आइमा हजरात हैं, उलमा हैं, इनसे हम भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। हाफिज़ रिज़वान साहब, सबसे पहले मैं इमाम तुफैल साहब का, हाजी इसहाक साहब का और मुफ्ती इब्राहिम साहब का और सहेली का और आप तमाम भाइयों का और बुज़ुर्गों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम बारे में चंद शायद पेश करने लगा हूँ, अगर कोई शेर अच्छा लगे तो सुबहान अल्लाह ज़रूर कहिएगा। अल्लाहु मैं बवक़्ते सहर एक चमन में गया, टहनियों पे खिले फूल थे चांबना। मैं बवक़्ते सहर एक चमन में गया, टहनियों पे खिले जा बजा। गुल के पत्ते से मैंने सुनी ये सदा, पढ़ रहे थे वो शबनम से करके वुज़ू। किसके बर के तजल्ली से तू जल गया, बोल बतलाऊं क्या उस जलन का मजा। फिर उसे आग की है मुझे जस्तजू। गुल के पत्ते से मैंने सुनी ये सदा, पढ़ रहे थे वो शबनम से करके वुज़ू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। पूछा बुलबुल से मैंने के ए बातिला, किसके रुख सारे गालों पे है तू फिदा। पूछा बुलबुल से मैंने के ए बातिला, किसके रुख सारे गालों पे है तू फिदा। किसके गम में है तेरी ये हालत तबा, बोली आंखों से अपने बहा के लहू। अल्लाह अल्लाह।
अंदर एक चमन में गया, टहनियों पे खिले फूल थे जा बजा, गुल के पत्ते से मैंने सुनी ये सदा, पर रहे थे वो शबनम से करके बुसू। ये जमीन जब न थी, आसमां जब न था, कोई यहाँ जब न था, कोई वहाँ जब न था, ये जमीन जब न थी, आसमां जब न था, कोई यहाँ जब न था, कोई वहाँ जब न था, पर रहे थे वो सब मिलके ये रूबरू। अल्लाहु एक चमन में गया, टहनियों पे खिले फूल थे जा बजा, गुल के पत्ते से मैंने सुनी ये सदा, पर रहे थे वो शबनम से करके वुज़ू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। देखा एक दिन फकीरों की महफिल में जा, था बिछोना जमीन पे बिछागा सिका, देखा एक दिन फकीरों की महफिल में जा, था बिछोना जमीन पे बिछागा सिका, था हर तरफ फकीरों का एक जमगठा, दिल से हू अल्लाहु 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 अल्लाहु। मैं बवक़्ते सहर एक चमन में गया, टहनियों पे खिले फूल थे जा बजा, गुल के पत्ते से मैंने सुनी ये सदा, पर रहे थे वो शबनम से करके वुज़ू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। तेरा खादिम हूँ लेकिन गुनाहगार हूँ, तू है बहरे करम में शर्मसार हूँ, तेरा खादिम हूँ लेकिन गुनाह बहरे करम मैं शरम सारी हूँ, मैं शफाते नबी का तलबगार हूँ, तूने फरमा दिया है कि ला तक़नतु। अल्लाहु 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 अल्लाहु। मैं बवक़्ते सहर एक चमन में गया, टहनियों पे खिले फूल थे जा बजा, गुल के पत्ते से मैंने सुनी ये सदा, पर रहे थे वो शबनम से करके वुज़ू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। माशाल्लाह हाफिज रिजवान साहब, मैं खुशामदीद कहता हूँ हाफिज मौलाना सदाकत खान साहब से नजर आए हैं, अंदर आइए। शिवजी साहब से नजर आए हैं खुशामदीद। हमदे बारी ताला के बाद जिस जगह अल्लाह सुबहानहु व तआला का नाम लिया जाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों ना लिया जाए। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जब हमें कलमा नसीब फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दूसरा पोर्शन है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जब हम गवाही देते कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, तो दूसरा जुमला होता है वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। आज
21वीं रात है रमजान मुबारक की खानकाम में हदीस के हवाले से कि ये पांच रातें इनमें से एक को लैलतुल कद्र की रात होती है। इमाम काबा ने बहुत अच्छा सा फार्मूला दिया इस दफा, उन्होंने कहा कि इस रात में एक आध डॉलर एक आध रुपया सदके के तौर पर निकाल के रख दें, थोड़ी सी तस्बीहात कर लें, नवाफिल पढ़ लें और कुरान पाक थोड़ा पढ़ लें और साथ में मग़िशा और फजर की नमाज बाजमात का एहतमाम जरूरी है। अगर इन पांचों में से कोई एक रात तो है तो अल्लाह सुबहानहु व तआला हजार रातों की इबादत के बराबर इसे पसंद फरमा कर आपके खाते में डाल देंगे। तो ये अल्लाह सुबहानहु व तआला ने हमें मौका दिया है, आज हम जिंदा हैं, कल का पता किसी को नहीं। हमारे कई अजीज हैं जो पिछले साल रमजान में हमारे साथ थे, इस मस्जिद में भी थे, आज वो यहाँ पर नहीं हैं और इस शहर खामोशा को उन्होंने आबाद कर दिया। शहर खामोशा आबाद क्या होता है, वो तो खामोश हो जाते हैं। तो हमें अपना किसी का भी नहीं पता, कैप्टन सलीम साहब किसी का नहीं, तो हमें कुछ नहीं पता कि कितनी ज़िंदगी किसकी है। अल्लाह ने जो मौका दिया है इसका फ़ायदा हासिल करना अक्लमंदी है। हमद बारी ताला के बाद हमारी खसूसी फरमाइश पर हमारे इस मस्जिद के इमाम जो हम सबको बहुत अजीज़ हैं और यहाँ जो लोग आते हैं आमतौर पर अगर कोई नहीं आता लेकिन कब्रिस्तान से जब उनका वास्ता पड़ता है तो उनका आना जाना शुरू हो जाता है, उनकी बड़ी खिदमत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। खुसूसी फरमाइश पर इनसे हमने एक नात सुनी है और नात है कि खूब नाम मोहम्मद है ए मोमिनों कि जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। इमाम साहब मोहम्मद तफील साहब एक दफ़ा माशाल्लाह इस्लामी कॉलेज में गया, कुछ प्रोग्राम था और वहाँ पे माशाल्लाह सुल्तान साहब के यहाँ एक हाफिज़ साहब नात के रहे थे जिसके अल्फाज मुझे बड़े ही पसंद आए। वैसे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान में जो है इरशाद फरमाते हैं, सहाबा किराम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खुशनौदी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान करते थे और कुफार के मजमों में जाके बयान करते थे। हम तो वैसे भी प्रोफेशनल नातपा नहीं हैं, कोई अल्फाज में गलती हो गई तो मौलाए करीम की बारगाह में दरख्वास्त है कि वो माफ़ फरमाए। पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि दरूद पाक पढ़ लें। खूब नाम मोहम्मद है मोमिनो, खूब नाम मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जो नबी की मोहब्बत से मुंह फेर ले दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। जो नबी की मोहब्बत से मुंह फेर ले दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। खूब नाम मोहम्मद है दोस्तों, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। उनके जलवों से रोशन है बहरो हरम, किस जगह पर नबी नहीं है नबी का करम। उनके जलवों से रोशन है बहरो हरम, किस जगह पर नहीं है नबी का करम। कि
इस जगह पर नहीं है नबी का करम, और से दूर तक दूर से दूर तक, और से दूर तक दूर से दूर तक, ये वो दरिया है जिसका किनारा नहीं, ये दरिया है जिसका किनारा नहीं। खूब नामे मुहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमो ये तुम्हारा गलत है ख्याल। जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमो ये तुम्हारा गलत है ख्याल। जालिमो ये तुम्हारा गलत है ख्याल। दामने मुस्तफा को कैसे छोड़ दूँ, दामने मुस्तफा को कैसे छोड़ दूँ, इतना कमजोर ईमान हमारा। खूब नामे मुहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। देखो कुरान में जा बजा मोमिनो, रब ने कैसे भी उनको मुखातिब किया। देखो कुरान में जा बजा मोमिनो, रब ने कैसे भी उनको मुखातिब किया। कभी यासीन कहा कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा कभी ताहा कहा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। आखिरी जो है आगे, ये हम सबके लिए अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए, अल्लाह इसे मेहरबान फरमाए। निस्बत-ए-मुस्तफा भी बड़ी चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। निस्बत-ए-मुस्तफा भी बड़ी चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने नबी को ये फरमा दिया, खुद खुदा ने नबी को ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। खूब नामे मुहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। खूब नामे मुहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हम सब को अल्लाह के नसीब हो। कयामत वाले दिन जब हर बंदा परेशान और सिर्फ अपने आप की फिक्र करेगा और नफसी नफसी कर रहा होगा, उस वक्त सिर्फ एक दांत होगी जो उन्नति उन्नति कर रही होगी।
वो हमारे प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। उस वक्त तक उनको आराम नहीं होगा जब तक के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम सब की शिफाअत ना करा ले। तो ये सिर्फ एक रात है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहते हैं कि बाकी अंबियाओं को जो एक खुसूसी दुआ की इजाज़त थी उन्होंने दुनिया में मांग ली, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वो खुसूसी दुआ क़यामत तक के लिए रखी है हम अपने गुनाहगार उम्मत के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। वो मोहब्बत कि जब हम रास्ते में चलें तो लोगों को पता लगे कि ये नबी का उम्मत ही जा रहा है। जब उन्हें पता लगे कि नबी का उम्मत ही ऐसा है तो इनका